विकी कौशल और रणबीर कपूर कॉमन फैक्टर क्या है? क्वेश्चन आंसर करो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? मतलब ये जो दो मानोभाव हैं, जब ये आपस में टकराएंगे 1 दिसंबर को तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले कर लेते हैं पॉजिटिव नमस्कार। और जिन जिन को भी पॉजिटिव नमस्कार करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो पॉजिटिव नमस्कार, या जिस भी भाषा में आप बोलना चाहो, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, सलाम, जो भी, जैसा भी आप सही समझो वो करके पॉजिटिव आगे लिख देना बस। ठीक है, तो बात करते हैं एक और पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की, विच इज़ विकी कौशल और ये एनिमल बने हुए रणबीर कपूर के। तो जब ये 1 दिसंबर को आएंगे तो क्या इट्स अ गुड डिसीजन, बैड डिसीजन? पहले तो मैं ये बोलूँ कि ये इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लग रहा था, क्योंकि जब रणबीर कपूर का अनाउंसमेंट हुआ तो पोस्टर आया खतरनाक, टीज़र आया सुपर खतरनाक, उसके बाद एक्सटेंडेड टीज़र टाइप का कुछ आया सुपर डुपर खतरनाक, और उसके बाद फिर एक गाना आया जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, लूप में सुनने का मन कर रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री, सारे टिक मार्क थे। और फिर ये लगने लग गया कि यार अब क्या करने का है, श्याम बहादुर देख लेंगे, कोई मूवी होगी छोटी मोटी, अगर वर्ड ऑफ माउथ ठीक गया तो देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था एटलीस्ट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मूवी क्रिटिक्स हैं, कि भाई ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, ऑलमोस्ट सेल्फ मेड बोल सकते हैं, हालांकि फिल्मी बैकग्राउंड से आता है लेकिन नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड समथिंग लाइक रणबीर कपूर, तो क्या इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन सारा तख्ता पलट हो जाता है अचानक से जब इसका पहला टीज़र आता है और ऐसे ऐसे डायलॉग जिसके अंदर बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर है, जो सना ने बोला होता है कि भाई ऐसा है कि फौजी का तो फ़र्ज़ ही होता है देश के लिए जान देना, और यहाँ पर शाम आके बोलता है कि नहीं, ये फौजी का फ़र्ज़ होता है कि दुश्मन को मारना देश के लिए, खुद ही शहीद नहीं हो जाना, दूसरे को शहीद करना है, ऐसा जो डायलॉग आता है। ऑब्वियसली मैं तो सिर्फ प्लेन वनीला तरीके से बोल रहा हूँ, एक्ट्रेस का काम होता है ढंग से इसको डिलीवर करना, मतलब सुपर्ब तरीके की राइटिंग, सुपर्ब तरीके का जज्बा। और जब कभी भी कोई भी ऐसा जज्बा होता है देश के लिए जो कंटेंट के अंदर क्रिएट हो जाता है, जो विजुअली आपको अपील करने लग जाता है, जिसके डायलॉग्स आपके मन को छूने लग जाते हैं, फिर वो मूवी बहुत आगे जाती है, फिर वो यूरी भी बन सकती है। सो लेट्स सी ये यूरी बनती कि नहीं बनती है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब ये क्लैश तो हो रहा है, लेकिन जो मास अपील वाली मूवी है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है स्टार्टिंग के अंदर, तो थोड़ा एस्टिमेशन लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइड रिलीज़ है मिस्टर वांगा की, संदीप वांगा की एनिमल, उसको ज़्यादा स्क्रीन्स भी मिलेंगे। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3/4 स्क्रीन जो है रणबीर कपूर को मिलेंगे और 1/4 स्क्रीन जो है विकी कौशल की श्याम बहादुर को मिलेंगे। पहला स्टार्टिंग में तो ये होगा। एनिमल मेरे को लगता है बहुत अच्छी मूवी निकलेगी और श्याम बहादुर भी बहुत अच्छी निकलेगी। ये उसी पैटर्न पे मोटा मोटा चलने वाले हैं जैसे कि अभी आपने गदर 2 और ओ माई गॉड 2 भी देखा था, जहाँ पर एक थोड़ी मासी थी और एक मासी, अब ये तो खैर मासी और क्लासी दोनों निकलने वाली है एनिमल। और दूसरी साइड पर जो विकी कौशल की मूवी है वहाँ पर आप देखोगे कि क्लासेस को पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और एक समुदाय को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, फॉर ऑब्वियस रीजन, जहाँ से श्याम बहादुर आते हैं वहाँ पर गोरखा राइफल्स को भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, वहाँ से ये वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज़्यादा पिकअप करेगी। और जैसे कि ओ माई गॉड 2 ने 200 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड करे थे, तो यू नेवर नो कि ये भी वैसा ही कर ले, पर इसका पोटेंशियल 100 करोड़ का तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल, बिल्कुल गूज बम्स वाले एक्शन, गूज बम्स वाली बॉडी लैंग्वेज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं कंप्लीटली सरप्राइज हूँ, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था अचानक से कॉम्पिटिशन आ गया आफ्टर जस्ट 1 टीज़र। तो 1.5-2 मिनट का जो टीज़र है उसने कमाल ही कर दिया, मतलब इक्वेशन ही चेंज कर दिया। वहीं पर अगर हम बात करें कि एनिमल का day 1 क्या होगा, एनिमल का day 1 मुझे ऐसा लगता है कि 30-32 करोड़ रुपीज़ ये ओपन होगा नेट, और श्याम बहादुर जो है वो डबल डिजिट के अंदर पोटेंशियल रखता है, तो ये 10-11 करोड़ रुपए में ओपन होगा। और जब इस तरीके से ये ओपन होगा तो दोनों मूवीज़ का अगर जिस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ होगा तो उसका सैटरडे संडे जब नेक्स्ट आएगा उसके हिसाब से ये आगे जाएगी। रणबीर कपूर की मूवी के अंदर पोटेंशियल है कि वो 3 दिन के अंदर 150 करोड़ रुपये क्रॉस कर सकती है जेन्युइनली, जिस तरीके का उसका मास अपील है, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही कर ले। श्याम बहादुर के लिए मैं बोलूँगा अगर वर्ड ऑफ माउथ ठीक गया तो ये 3 दिन के अंदर 35-40 करोड़ रुपए कर सकती है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर ठीक ठाक चला गया तो 3 दिन के अंदर सरप्राइज 50 करोड़ भी हो सकते हैं। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ये अलग लेवल की मूवी साबित हो सकती है इंडियन सिनेमा के लिए। और जो भी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हमारे इंडियन हीरोज़ के बारे के अंदर ही हैं, उसको तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। खैर मैं तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ जब कभी भी कोई हिंदुस्तान से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट आता है, मूवी आती है, स्टोरी आती है, एक मतलब सिंपल सा न्यूज़ आती है, तो थोड़ा सा इमोशनल तो आदमी हो ही जाता है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे ही सोचते होंगे। जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना। मैंने अपना वीकेंड एनालिसिस दोनों का और जो day 1 होगा वो टेंटेटिवली आपके साथ शेयर कर दिया। बाय बाय।